हेलो एडिटर्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इस ट्रेंडिंग आई ब्लिंक एडिटिंग के बारे में, जो दिखने में काफी अमेजिंग लगता है। अगर ये इफेक्ट तुम अपनी वीडियो में यूज करते हो तो 100% तुम्हारी वीडियो वायरल जाएगी। वैसे इसे एडिट करना बहुत ही इजी है, बस ध्यान से देखना। इसे हम कैपकट में एडिट करेंगे, तो वीपीएन ऑन करके कैपकट में अपनी वीडियो एड कर लो। और हाँ, वीडियो को स्मूथ शूट करना, जिससे एडिट आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी वीडियो का एक स्क्रीन शॉट लेना है आंखों को बंद करने के लिए। अब वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कैसे आईज क्लोज करनी है। तुम चाहो तो पिक्सार्ट से भी कर सकते हो पेंट करके, या फिर AI वेबसाइट से। तो मैं AI वेबसाइट से आईज क्लोज करूंगा। इस वेबसाइट का नाम है Adobe Firefly। इसका लिंक तुम्हें कमेंट में दे दूंगा। इस वेबसाइट पर जाके लॉगिन कर लेना, फिर जनरेटिव फिल पे जाके अपना वो स्क्रीनशॉट ऐड कर लेना। उसके बाद तुम्हें दोनों आंखों को अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है फिंगर से। फिर यहाँ पे नीचे वाले बैंडेज के आइकॉन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे सिंपली रिमूव पे क्लिक कर देना, आईज क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, फिर इस पे लॉन्ग प्रेस करके फोन में इस फोटो को सेव कर लेना। अब हमें पिक्सआर्ट में इन दोनों आंखों का PNG बनाना है, मींस की इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। वो तो तुम्हें अच्छे से आता होगा, तो कटआउट में जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दोनों आंख का PNG बना लेना। अब चलते हैं कैपकट में, यहाँ पे तुम्हें ओवरले पे उस PNG को ऐड कर लेना है। फिर इसे छोटा करके वीडियो में जहाँ पे ओरिजिनल आई है वहीं पे लगा देना है। इस तरह से दूसरे वाला PNG भी नीचे ओवरले पर ऐड करके छोटा करके सेम उसी जगह पर लगा देना। फिर इन दोनों PNG की ड्यूरेशन कम करना है, PNG को उतना लंबा ही रखना जितनी देर में आई ब्लिंक होती है, बस 2 या 3 सेकंड। बाकी आगे का पार्ट कट करके डिलीट कर देना। प्ले करते हैं तो देखो ये भी सही लग रहा है। तुम चाहो तो ऐसा ही यूज कर सकते हो, बट हमें रियल आईज की तरह ब्लिंक करना है। तो उसके लिए PNG पे क्लिक करके मास्क के ऑप्शन में जाएंगे और हॉरिजॉन्टल वाले मास्क पे क्लिक करेंगे। फिर इस लाइन को आई के ऊपर की तरफ ले जाकर की फ्रेम ऐड कर देंगे। फिर वीडियो थोड़ा आगे करके PNG के बीच में एक की फ्रेम ऐड करेंगे और लाइन को आई के नीचे साइड ले आएंगे। फिर PNG के लास्ट में आकर की फ्रेम ऐड करके लाइन को फिर से आई के ऊपर ले जाएंगे। दूसरे वाले आईज में भी सेम इसी तरह से मास्क करके की फ्रेम लगा देना। तो फाइनल रिजल्ट हमारा ऐसा निकल कर आएगा, देख सकते हो कितना स्मूथ लग रहा है, बिल्कुल रियल भी।